Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with yet another preparation video that we are having for the test series that is freely available on our Telegram channel. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है. Unicom एक free test series conduct कर रहा है Telegram channel के through और उसमें already आपके 5 paper cover हो चुके हैं. तो अब जो आपका paper आने वाला है, that would be your paper number 6, right? तो हम आज बात करने वाले हैं पेपर नंबर 6 को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में. तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें. और साथ साथ में अगर आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में पता नहीं है तो भी आप एक बार टेलीग्राम चैनल विजिट करें. हमारे सारे प्रिपरेशन वीडियोस आपको पहले दिए हुए हैं, 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें आपके फर्स्ट राउंड आपके चारों सब्जेक्ट का एक एक पेपर और एक और अकाउंट्स का पेपर का कंप्लीट हो चुका है. अब हम जा रहे हैं हमारे पेपर नंबर 2 यानी कि लॉ बीसीआर के पेपर की तरफ. और ये आपका प्रिपरेशन वीडियो फॉर लॉ में सेकेंड पार्ट है, ठीक है. तो हम लॉ में ऑलरेडी 50% ऑफ द पोर्शन कवर कर चुके हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को हमने कवर कर लिया है, राइट. अब हमारे पास जो सेकेंड टारगेट है वो होगा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और LLP एक्ट, फाइन. तो हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आपको इन एक्ट्स को कैसे पढ़ना है और इस एक हफ्ते के अंदर आपको कैसे काम करना है, फाइन. तो मैं आपको एक सबसे पहले एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से इनको फेस करना है, किस तरह से इसमें वेटेज है, क्यों हमने इन 3 यूनिट्स को यहाँ पे रखा है 50% पोर्शन में, फाइन. तो हमारे पास लॉ में जो पेपर 1 था, यानी आपका जो टेस्ट 1 था, पेपर 2 का टेस्ट 1 जो था, उसमें आपके पास 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है, फाइन. तो यहाँ पे आपके पास ये 50% यानी कि 22 मार्क कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्लस आपके पास 16 मार्क्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ये कंप्लीट हो चुके हैं, फाइन. हम जो भी बात कर रहे हैं, हम आउट ऑफ 72 बात कर रहे हैं, यानी कि इंक्लूडिंग द ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट पोर्शन आपका जो टेस्ट आपका होने वाला है, नेक्स्ट आप कह रहे हैं पेपर 2 का जो टेस्ट 2 होने वाला है, उसमें आपके पास 3 पोर्शन कवर किए गए हैं, जिसमें आपके पास आएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देन आपके पास आएगा कंपनीज एक्ट और फिर आएगा LLP एक्ट, ओके. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ओवरऑल वेटेज जो आपके पास रहता है वो होता है आपके पास 16 मार्क्स का, दैट इज सेम एज पार्टनरशिप एक्ट. कंपनीज एक्ट का आपके पास 13 मार्क्स का वेटेज रहता है और LLP का सिर्फ 5 मार्क का वेटेज होता है, फाइन. तो हम इस प्रिपरेशन वीडियो में कैसे देखने वाले हैं, हमने ये देखा है सबसे पहले हम लेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है. हमारे पास में आज से, अगर हम बात करते हैं मंडे को ये वीडियो आ रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन है, ओके. वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 3 एक्ट है और 6 दिन तो बहुत सारे होते हैं, राइट. और उसके बाद में संडे, एज यूजुअल पिछली बार की तरह हमने रिवीजन को दिया है, हम केवल इस दिन रिवीजन करते हैं, हम नया कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, राइट. हाँ, हम ऑलरेडी रिवीजन ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम सेकंड रिवीजन करते हैं, हम नया नहीं लेंगे, तीनों एक्ट को हम इन 6 दिन में खत्म कर देंगे, करेक्ट, ओके. तो इसमें आप अपना थोड़ा सा लीनियंसी ले सकते हैं कि आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, दैट्स ऑन योर फ्री विल, उसमें हम आपको कोई बंदिश नहीं दे रहे, बट फॉर अ ट्रैक रिकॉर्ड कि आप किस तरह से काम करेंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट. एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपका पेपर 2 है उसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, फाइन. आपके पास में लॉ भी है और BCR भी है, एंड एज यू नो BCR हमें छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है, करेक्ट. वो आपको स्कोर करने में हेल्प करता है ना. तो हमने क्या करना है, अगर आप BCR को भी साथ में लेके चलेंगे तो आप फुल डे लॉ को मत दीजिए, आप कुछ पोर्शन BCR को भी दीजिए, ताकि आपका दिन इक्वली डिवाइड हो सके और वो एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो पाए, फाइन. क्लियर है सबको, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं और हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, फाइन. तो सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास में जो 3 दिन आ रहे हैं, वहां पे से हमने 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को दे दिया है ना. अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अगर हम डिटेल में देखने जाते हैं तो वो हमने कहा कि 16 मार्क्स का है, बट उसमें से 6 मार्क की आपकी केस स्टडी आती है,
ओके तो 10 मार्क के क्वेश्चंस आपके अदर क्वेश्चंस में आते हैं। अब 6 मार्क की जो केस स्टडी है वो आपके पास इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे करनी है। दूसरा, ये जो 10 मार्क के क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 6 मार्क का आ सकता है, या फिर हमारे पास में 3-3-4 का एक डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। फाइन, तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाते हैं आपके 10 मार्क। और जनरली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट आंसर होगा, और 4 और 6 मार्क का क्वेश्चन आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। फाइन, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट्स की। ओके, हमारे पास किस तरह से आता है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके पास 4 यूनिट आती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। ओके, अब हमारे पास कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है और कौन सी में से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। वाइन, सबसे पहली बात यूनिट वन में आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन देखा गया है, उसके बाद में यूनिट 2 में 6-10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ देखा गया है प्रीवियस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। यूनिट 3 में भी 6 मार्क का है और यूनिट 4 में भी 6 मार्क का है। ये दोनों यूनिट 3 और यूनिट 4 इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। यहाँ पे या तो 3 में से आ जाता है या 4 में से आ जाता है, दोनों में से 7 में आने के चांसेस कम होते हैं, बट किस में से आएगा इसकी गारंटी हमें नहीं है। राइट, तो हम क्या करने वाले हैं, हम स्किप नहीं करने वाले हैं, क्या पता किस में से क्वेश्चन आ जाए। करेक्ट, फाइन, तो हमने क्या किया है, अगर आप यूनिट 1 की बात करते हैं तो ये तो ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो गया। ठीक है, कैसे मैम, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें से 4 और 6 होगा या फिर 4 और 3 प्लस 3 होगा। राइट, तो हमने कहा यूनिट 1 तो ऑलमोस्ट श्योर सा लग रहा है, और इसमें हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम डेफिनेशंस और किस तरीके की चीजें, गुड्स की डेफिनेशन, किस तरह की चीजें हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड करते हैं, कौन से असेट्स होते हैं, कौन से आपका गुड्स इंक्लूड किया जाता है, कैसा बनता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन, ये सब चीजें। राइट, करेक्ट, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट यूनिट को बोला कि इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन हमें देखनी है। सेकेंड यूनिट में देखिए 6-10 या तो आपके दोनों ही क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से आ जाएंगे या फिर आपका केस स्टडी, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और यूनिट फोर जो आपका अनपेड सेलर का है ना, अनपेड सेलर वाले में से भी काफी केस स्टडीज देखी गई है। तो ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि यूनिट 4 में से आएगा, ये जनरली आपका केस स्टडी फॉर्मेट में आता है। यानी यूनिट 4 पे हमें किस बात पे फोकस करना है, इसके एग्जाम को बहुत ही अच्छे से देख लेना है, और इसके एक भी एग्जाम्पल हमें नहीं छोड़ने हैं, बिकॉज ये आपके केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यूनिट 2 आपका ओवरऑल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 16 मार्क का वेटेज है, उसमें से 10 मार्क तक का वेटेज यूनिट 2 लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी तो बचा खाली। राइट, तो हमने कहा यूनिट 2 और यूनिट 4 दोनों ही अभी केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और बाकी यूनिट 1 में से ऑलमोस्ट 4 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट कन्फर्म होता है कि हाँ ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फाइन, अब यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 क्या बहुत लंबा है, एंड एवरीबॉडी इज लाइक मैम बहुत लंबा है, इसमें ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स ट्रांजिशन में है, रस्ते में है, नहीं है, कैंसिल हो गया, भीग गए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसमें समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये है ट्रांसफर ऑफ गुड्स की, गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, उसकी राइट्स कब ट्रांसफर होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है जिसको आपको स्लो और पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपका यूनिट 3 हो गया। जब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, तो इसमें आपके पास बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सीधे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंडीशन वारंटी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कंडीशन वारंटी। इस पे सीधा आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन बनता है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट केस स्टडी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसपे हर तरह का क्वेश्चन बनता है आपके पास में। ठीक है, कंडीशन एंड वारंटी रियली इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्रेस कंडीशन एंड एक्सप्रेस इंप्लाइड वारंटी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन जरूरी हो गए आपके लिए। तो कंडीशन एंड वारंटी में से आपके पास में 2 क्वेश्चन ही नहीं, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 तो एकदम डायरेक्ट बन रहे हैं, उसके बाद में 2 आप घुमा के पूछ सकते हैं। फिर आता है आपका दी
फेवरेट टॉपिक दैट इज कैवियट एम्प्टर, राइट? तो कैवियट एम्प्टर आपका फेवरेट टॉपिक है. तो इस तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमारे पास में काफी सारी चीजें हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया है, हमने इसे डिवाइड कर दिया है. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हमने डिवाइड किया है यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 में. यूनिट 3 को हम फर्दर डिवाइड करके पढ़ लेंगे क्योंकि छोटी बहुत सारी चीजें हैं इसमें और इंटरचेंजेबली 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है. यूनिट 2 और यूनिट 4 को हमने केस स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट मार्क किया है. एक्चुअली यूनिट 2 में से जब हम बात करते हैं 6 to 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो कुछ क्वेश्चन हमने स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं, जैसे आपका कंडीशन का क्वेश्चन और वारंटी का क्वेश्चन, जिसमें ही आपके पास सिमिलैरिटी भी पूछ सकता है और डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है, फाइन. उसके अलावा यहाँ पे आता है कैवियट एम्प्टर का क्वेश्चन, जहाँ पे आपके पास केस स्टडी भी आ सकता है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. और जब हम बात करते हैं कंडीशन एंड वारंटी की, तो कंडीशन एंड वारंटी के अंदर आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन, जिसमें सीधा सीधा 7 पॉइंट दिए हुए हैं आपको वो देने हैं. और इम्प्लाइड वारंटी कौन सी होती है, इसमें भी आपके पास में सीधा सीधा 4 पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको देने के लिए आ सकते हैं, ठीक है. तो इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, चारों क्वेश्चंस रियली इंपॉर्टेंट, इसको आपको मार्क करके जाना है, फाइन. इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन है, डेफिनेशंस हैं जो आपको कवर करनी है. और यूनिट 4 में से अनपेड सेलर, दैट इज केस स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका 6 मार्क का केस स्टडी कवर कर लेता है, फाइन. तो ये जो 6 मार्क है जनरली केस स्टडी के लिए है. अब केस स्टडी कौन से यूनिट में आंसर आता है वो तो आपकी किस्मत पे है, बट हाँ, ये दोनों आपके एग्जाम्पल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ये एग्जाम्पल आपको देख के ही चलने हैं. वाई? बिकॉज इन एवरी वीडियो, एवरी टाइम आई क्लियर इट टू यू कि अगर आप एग्जाम्पल देख के चल रहे हैं, आपको केस स्टडी को प्रोविजन से कनेक्ट करने में कोई इशू नहीं आएगा, करेक्ट? तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से समझ के चल रहे हैं, ओके, क्लियर है? तो ये हो गया आपका यूनिट 3 एंड 4. अब हम बात करते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास में आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है. आप मंडे ट्यूसडे में ही अपना पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? 2 दिन में आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा. फिर बचता है वेडनेसडे, जो कि आप दे दीजिए LLP को. क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मैम LLP सिर्फ 5 मार्क का है, मैम छोड़ के चले जाए, मैम प्लीज हम छोड़ सकते हैं, उसको हमें पढ़ के क्या करना है? देखिए, आपके पास अगर वहां पे ऑप्शन है, जैसे हमने कहा कि 6 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी के बाद में NE4 करने होते हैं. अगर आपने LLP छोड़ दिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 इज आउट ऑफ योर कोर्स, करेक्ट? ये तो आपको आते ही नहीं, तो आपके पास पेपर में ऑप्शन बचा ही नहीं, राइट? इसीलिए वी आर एडवाइजिंग कि आप LLP जरूर पढ़ें. देखिए, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 1 दिन में तो आप उसको 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है. फिर भी हमने एक पूरा दिन उसको अलॉट किया है. कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है. ये आपके पास सिंपल सोबर टॉपिक आता है. फिर आता है डेफिनेशन, व्हाट इज LLP, ओके. फिर उसके बाद में इसके फॉर्मेशन के स्टेप्स, फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं उस पे इतना फोकस नहीं होता है, उसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट, फाइन. जिसमें आपके पास में कुछ फॉर्म्स आते हैं कि किस तरह के फॉर्म आपको ई फॉर्म फिल करने हैं, 1, 2, 3, 4 के प्रोसीजर, फाइन. इसमें से इतने क्वेश्चंस देखे नहीं गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम इसे छोड़ गए, हमें 2 मिनट लगेगी, हमें 5 मिनट लगेगी, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगी आपको इसे याद करने में, तो हम इसे क्यों छोड़ के जाए? अगर हमारे आधा दिन देने से एक चैप्टर कंफर्म हो जाता है, 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं आपके पेपर में, तो उसको सिर्फ 5 मार्क आएगा करके छोड़ने की बजाय आप उस 5 मार्क्स को कंफर्म कर लीजिए कि ये 5 मार्क मेरे कहीं नहीं जा रहे हैं, राइट? छोटा सा चैप्टर है, एक बार 2 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको फटाफट से याद हो जाएगा. और इसके साथ में आपके पास डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, फाइन. नेक्स्ट आपका बचता है कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये हम प्रिपरेशन वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एज यूजुअल. बट फॉर द टाइम बीइंग आपके पास ये 3 चीजें रहेंगी, फाइन. तो समराइजिंग द एंटायर वीडियो, हमें किस तरीके से पहले 3 दिन मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे को कैसे कवर करना है. मंडे ट्यूजडे को आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ले लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है कवर
तो वैकेंसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में इन 3 दिन के अंदर सोगा और LLP दोनों क्लियरली कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। वन टाइम रीडिंग अब कैसे क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका 2 टाइम्स मॉड्यूल रीडिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके बैक क्वेश्चंस, मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस और साथ में RTP और MTP के क्वेश्चंस, ठीक है। ये चारों चीजें आपकी कवर होनी चाहिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं मॉड्यूल की या जब हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है। अब इसमें आपको क्वेश्चंस देखने हैं और साथ साथ में आंसर आप कोशिश कीजिए कि आप दे पाए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये चीज अलग है अगर आपको कुछ भी इशू हो रहा है आप उसे रेफर करें और साथ साथ में उसे पढ़ें, ठीक है, एकदम साथ साथ में क्लियर करते हैं। बट अगर आपके डाउट्स हैं तो आप जिस वक्त पढ़ रहे हैं उसी वक्त डाउट क्लियर ना करें, लिख के रख लीजिए, राइट देम डाउन। और साथ में हमारे वीडियोस हैं, क्या होगा अगर आप पढ़ते टाइम वीडियो देखेंगे आप डाइवर्ट हो जाएंगे और आप फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एक मिनट में वीडियो देखने की बजाय आप उन्हें लिख लीजिए। टॉपिक वाइज वीडियो है, पूरा कोर्स कम्प्लीट है, फुल LLP फुल सोगा कम्प्लीट है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उनके साथ में आप जाएं और उन्हें आप डाउट क्लियर करने के लिए यूज करें। पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज आपके वहां पे वीडियोस दिए हुए हैं, आपके जो भी डाउट्स आपने लिखे हैं एट द एंड ऑफ योर टेन्योर, आपको अगर 1 घंटा पढ़ना है, आपको 2 घंटा पढ़ना है, आप बीच में ब्रेक ले रहे हैं, 20 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, 20 मिनट्स से ऊपर की कोई वीडियो नहीं है, 20 मिनट्स का वीडियो आप देखें, उसे कंप्लीट करें और फिर आप उसमें आगे बढ़े, फाइन। तो वो ब्रेक के टाइम पे ही आप वीडियो देखें, कंप्लीट करने के टाइम पे ही वीडियो देखें, एक्स्ट्रा ना जाए, फाइन, क्लियर है। तो ये आपका शेड्यूल है फॉर दीज 3 डेज, सेल्स ऑफ व्हाट्सएप और LLP हमें कंप्लीट करना है, क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर में से कितना आता है, वो सब चीजें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने टेस्ट के लिए, ओके। और इन टेस्ट को किसी भी कंडीशन में अवॉइड ना करें, अपने एग्जाम सिमुलेटेड सिचुएशंस में बैठ के उन्हें सॉल्व करें ताकि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो, आपकी मिस्टेक्स रिड्यूस हो और आप एक बेटर तरीके से अपना पेपर दे पाएं। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाके पैनिक होने से अच्छा है कि आप पहले पैनिक हो जाएं, पहले उसको राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें और एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगे कि मैम हम टेस्ट लिख रहे हैं, राइट। तो इसलिए आप अच्छे से टेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रिपरेशन वीडियो कमिंग अप अगेन इन दिस वीक। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।